Assalamualaikum and hello to all my subscribers. Well, welcome back to my channel, guys. Those who are new to my channel, please don't forget to subscribe my channel. और इसके अलावा guys, आज संडे है और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम थे और मैंने सोचा कि साथ में काम के साथ साथ मैं व्लॉग भी करूँ, आप लोगों को भी कनेक्ट करूँ अपने साथ. काफ़ी दिन हो गए थे कि कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई थी. तो आज बेसिकली मैं अपना रूम क्लीन करूँगी, अपना कबर्ड क्लीन करूँगी और आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से यू नो, मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपनी चीज़ों को. और हर एक को अपने कमरे को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए. एक्चुअली पिछले दिनों शादियाँ थीं जिसकी वजह से मैं यू नो, क्लीनिंग नहीं कर पाई. सो मैं पहले नाश्ता करती हूँ और उसके बाद आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, नाश्ता मैंने कर लिया है और अब मैं अपने रूम में हूँ. सो मैंने सोचा कि क्लीनिंग करने से पहले मैं आप लोगों को बिफ़ोर लुक दिखा दूँ ताकि आपको पता चले कि मेरा रूम कितना मैसी था और मैंने कितनी मेहनत करके ऑर्गेनाइज़ किया है दोबारा से. वैसे ज़्यादा मैसी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ही यू नो, इधर उधर हुई हुई हैं. बिकॉज़ जब आप कहीं जाते हैं तो फिर आपको चीज़ें चाहिए होती हैं और आपको मिलती नहीं है पहनने के लिए. कुछ शादी के कपड़े हैं जो कि प्रॉपरली मैं एक यू नो, संदूक में पैक करूँगी ताकि दोबारा कभी काम आ सकें. और आइए मैं आपको थोड़ा सा यू नो, लुक दिखाती हूँ अपना कबर्ड का और अपने रूम का और फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी. सो गाइज, चीज़ें मैंने ऑलरेडी निकाल ली हैं बाहर. जैसे कि आप देख सकते हैं कि शूज़ पड़े हुए बाहर, कुछ कपड़े हैं और संदूक मैंने निकाल लिया है जिसमें मैं अपने शादी के आउटफिट्स को यू नो, पैक करके रख दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम भी काम आ सकें. उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि शूज़ और बैग्स एक साथ पड़े हुए हैं. मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि डिफरेंट पोर्शंस बनाऊँ हर एक चीज़ के, बैग्स अलग हों, शूज़ एक अलग जगह पर हों. और इसी तरह आप देख सकते हैं कि मेरे जो कपड़े हैं वो ऑलरेडी मैंने तय करके रखे हुए, लेकिन फिर उसमें वही बात आ जाती है जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये पजामा है और फिर शलवार कमीज़ें, ये सारे मिक्स हुई हुई है ना. तो मैं सोच रही हूँ कि उसको शलवार कमीज़ों को एक अलग साइड पर कर दूँ और नाइट शूज़ वगैरह को एक अलग साइड पर कर दूँ. इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी हैंग की हैं, फिर वही बात आ जाती है कि ये मेरा नाइट सूट है, यहाँ पे क्या कर रहा है. मेरा काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज हो चुका है और मैं बहुत थक गई हूँ. तो जल्दी से मैं आपको एक दफ़ा यू नो, फॉरन आफ्टर लुक दिखाती हूँ.
आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोग भी जल्दी जल्दी जाइए और अपना रूम को क्लीन करें, ऑर्गेनाइज करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। सो गाइज, अब मैं व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करूँगी और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। सो प्लीज़, इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, कॉमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।